Hello everyone, this is Bansi. Welcome back to the channel. Now we are on the 20th question of exercise 15.1. The question says, suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in 15.6. So, yahan pe aapne dice feka hai. What is the probability that it will land inside the circle? Kya probability hai ki wo is circle ke andar jaake dice rukega? So, is case mein hum dono ka area nikalenge. Sabse pehle to nikalte hain पूरे इस रेक्टेंगल का एरिया. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ होता है विच इज 3 × 2, 3 × 2 = 6 मीटर्स हो गया. एंड देन हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का कितना एरिया है? तो जी सर्कल का हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. आर हमारे पास नहीं है बट हमें पता है रेडियस हमारा होता है डायामीटर का हाफ. तो डायामीटर 1 मीटर है तो रेडियस हो गया 1/2. सो दैट मीन्स ये हो गया पाई. आर की जगह रखा 1/2, इसका स्क्वायर पाई एज इट इज. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. सो ये आ गया पाई/4. अब आ जाते हैं हमसे पूछा है वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा. तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम मतलब अगर वो सर्कल के अंदर कितना एरिया है पाई/4. एंड हमारा टोटल आउटकम इस केस में, अब देखो अगर वो इस रेक्टेंगल पे फेंक रहे तो या तो सर्कल के अंदर या बाहर मिल जाएगा इसी पे ही कहीं. तो दैट इज गोइंग टू बी पूरे रेक्टेंगल का एरिया विच इज 6. ये हो गया हमारा टोटल आउटकम. तो जी प्रोबेबिलिटी हमें पता है फेवरेबल अपॉन में टोटल होता है. फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन क्या करेंगे पाई/4 एज इट इज. 6 का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/6. पाई/1 पाई/6 = 24. सो ये आ गया पाई/24. ठीक है जी. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20. विल गेट टू दी अगेन. एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे आपको बुक में भी मार्क है. दिस इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी के नहीं आते बट स्टिल आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए. सो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21 विच सेज अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स. एक लॉट है पेन्स का जिसमें टोटल 144 पेन्स हैं. ठीक है. ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. अब इन्हीं 144 में से 20 पेन्स डिफेक्टिव है. पहले तो यहां से ये निकाल लो अगर 144 में से 20 पेन्स खराब है दैट मीन्स 144 - 20 124 पेन्स हमारे अच्छे होंगे. ठीक है जी. नाउ डिफेक्टिव अदर्स आर गुड. सो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. ऑफकोर्स वो तभी खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा. डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर. अब उसने स्लॉट में से एक पेन निकाला और उसको दे दिया. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट. वो कब बाय करेगी? अगर पेन बिल्कुल ठीक होगा. ठीक पेन कितने हैं 124. सो जी हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम है 124. टोटल आउटकम क्या है हमारा? टोटल आउटकम इज टोटल पेन्स कितने हैं 144. सो जी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 124/144 विच विल बी ये हो जाएगा. इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से कर सकते हैं. 6 × 2 = 2, 6 = 12 and 2 × 2 = 4/ अगेन अच्छा 7 से होगा सॉरी 7 and 2 = 72 अगेन कट हो सकता है. 3 से करेंगे 1 इसको 3 से करेंगे 6 × 31 = 36. ये प्रोबेबिलिटी है कि वो खरीदेगी. नेक्स्ट है जी शी विल नॉट बाय इट. तो ये हमारा हो गया केस अगर पेन डिफेक्टिव होगा तो वो परचेज नहीं खरीदेगी. अगेन इसको करने के दो तरीके हैं. पहले तो सिंपल अगर पेन डिफेक्टिव है तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? कितने पेन डिफेक्टिव हैं? लेट्स सी फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया डिफेक्टिव पेन्स आर 20. सो ये फेवरेबल आउटकम हो गया 20. टोटल पेन्स कितने हैं? टोटल आर 144. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/144 विच इज 10/72 or 5/36. ठीक है. एक तो ये तरीका है या सिंपल फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला दैट शी विल बाय इट. तो उसके परचेज करने की बाय करने की क्या प्रोबेबिलिटी थी 31/36. तो इस केस में अगर हमें निकालना है विल नॉट बाय तो हम इसको क्या कर सकते थे 1 में से
माइनस भी कर सकते हैं, 1 माइनस 31 अपॉन 36 करेंगे तो ये आ गया एलसीएम 36, ये हो गया 36 माइनस 31 विच इज 36 में से 31 गए, 5 आ गया हमारे पास, 5 अपॉन 36, दोनों केसेस में आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है जी, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।